इन विच वी सी दैट देर इज़ अ पर्टिकुलर सनारियो वेर देर आर द स्टूडेंट एडवाइजर विच आर बींग अवेलेबल टू स्टूडेंट हु कैन मेनटोर दैम ऑन डिफरेंट टॉपिक्स वो प्रॉबेबली स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं अबाउट देयर करियर चॉइस वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं अबाउट टेकिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और गोइंग इन टू वन डिसिप्लिन और एन अदर डिसिप्लिन और दे कैन सीक देयर इंटरेस्ट इन डिफरेंट एरियाज एंड दैन दे कैन डिसाइड कि आपके लिए पोटेंशल फील्ड जो हैं वो बेसिक कौन सी हो सकती हैं और एडवास कौन सी हो सकती हैं

ये एक यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये एक एकेडमिक एडवाइजर का बेसिक फंक्शन भी है द की टू सक्सेसफुल एकेडमिक डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द एडवाइजर ऑफ कोर्स एंड ऑफ द एडवाइजी टू एंटर अ रिलेशनशिप फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एकेडमिक एडवाइजर मस्ट बी अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन ही शुड नो एवरी डिटेल्स इज रिलेटेड टू हिज फील्ड फॉर इंस्टेंस वट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज द कैंपस हैव वट आर द रिसोस विच स्टूडेंट कैन एक्सेस आउट ऑफ द कैम्पस आउट ऑफ द टाउन आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड विद रेफरेंस टू द अदर यूनिवर्सिटीज़ नेशनली एंड इंटरनेशनली जैसे रिसर्च के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बायोटेक्नोजी की किसी फील्ड में काम करें उनको uh, कोई स्पेसिफिक मशीनस चाहिए उन्हें um, एक uh, जैसे रिसर्च लैब्स होती हैं जहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स काम करते हैं वो बहुत ही कॉस्टली uh, इक्वमेंट होता है और हर कैंपस uh, और हर यूनिवर्सिटी के पास वो अवेलेबल नहीं होता तो कैम्पस एडवाइज़र कैन टेल दैम कि ये स्पेसिफ़िक मशीन आपने जो सैम्पल करने हैं लेट्स लेट्स से उनको एक्सआर डी चाहिए है उनको सैम मशीन चाहिए है और वो उनके कैंपस में नहीं है तो वो आप किन यूनिवर्सिटी से एक्सेस कर सकते हैं इसी तरह साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं जो फोरेंजिक में काम कर रहे हैं अगर उनको बायो फीडबैक मशीन पे काम करना है और वो बायो फीडबैक उनके कैंपस में अवेलेबल नहीं है तो देट कैन बी एडवाइस टू देम कि आप हमारा लाइजोन इस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस से आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं

जिसमें यू आर बीग हायर्ड टू प्रोवाइड द एडवाइजमेंट टू द स्टूडेंट्स एंड दिस इज द वेरी स्पेसिफिक रोल विच यू नीड टू परफॉर्म और स्टूडेंट्स भी उनके पास जब एक्सेस करेंगे तो वो सिर्फ की पॉइंट उनका अपनी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना होगा रादर देन द अदर थिंग्स देन स्ट्रेस दैट बोथ द एडवाइजर एंड कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एडवाइजिंग प्रोसेस जब हम रिस्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो दैट कम्स टू द स्टूडेंट्स पार्ट एज वेल एज वेल एज पार्ट पार्ट ऑफ द एडवाइजर लेट्स से के स्टूडेंट जो है उसको आपने एक कंप्लीट पैकेज बताया कि अगर तुम ये बेसिक सब्जेक्ट्स ये फाउंडेशन कोर्सेस पढ़ोगे तो तुम आगे जाकर इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज कर सकते हो तुम्हारे पास ये तीन ऑप्शन रिटेन होंगे अब स्टूडेंट जो है उसको केयरफुली नहीं सुनता और वो उसमें से कुछ फाउंडेशन कोर्सेज एडवाइजमेंट की जो पॉइंट्स थे उसके थ्रू रख लेता है और कुछ वो अपनी चॉइस से रख लेता है और बाद में वो कंप्लेन करता है कि जी मुझे तो उस वक्त पता नहीं चला या मैंने समझा नहीं या मैंने अपनी मर्जी से चेंज कर लिया नाउ माय करियर इज ब्लॉक मैं आगे जाके इस फील्ड में स्पेशलाइज नहीं कर सकता विच वॉज़ माई कोर ड्रीम तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बहुत केयरफुली डील करना ज़रूरी है कि आप चीज़ों को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझें कि कितने क्रेडिट्स पढ़ना ज़रूरी हैं किस तरीके से आपको एडवांस डिग्री में जाने के लिए कौन से बेसिक और फाउंडेशन एरियाज कोर एरियाज़ कवर करने होंगे और उसको आप अकॉर्डिंगली जो है वो फुलफ़िल करें देन टेक ओनरशिप ऑफ योर रोल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वट एवर द एकेडमिक एडवाइजर इट ही शुड बी विजिलेंट अलाफ ही शुड बी अ वेरी यू नो काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड इट्स रोल कि उसकी एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है जो कि उसने फुलफिल करनी है इट्स नॉट्स नॉट अबाउट द जॉब ओनली कि एक स्टूडेंट आया उसके सामने एक ब्रशर रख दिया वही दूसरे के सामने रख दिया वही तीसरे के सामने रख दिया ही शुड बी अ पर्सन हु शुड बी वेल वर्स्ड इन हिस फील्ड और उसका इतना नॉलेज और उसका इतना आइडिया होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे तरीके के साथ स्टूडेंट्स को उनकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वो डिलीवर कर सके uh, उनकी जो एजुकेशनल प्लान्स हैं उनके जो करियर गोल्स हैं उनके बारे में जब तक तो उसको खुद आइडिया नहीं होगा वो ऑफ़ कोर्स उनको अच्छा गाइड नहीं कर सकेगा और कॉलेज में उनकी जो एक जर्नी है उसको वो शायद स्मूथली ट्रांजिट नहीं कर सकेगा गुड एडवाइज़र रिकोगगनाइज दैट दे हैव द पावर टू इंटरवीन रिफर एंड एडवोकेट टू देयर स्टूडेंट्स एंड टेक एन एक्टिव रोल इन स्टूडेंट्स एक्टिव स्टूडेंटि बाज़ात कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और वो अनडिसाइसिव होते हैं उनको ये नहीं समझ आती कि उनको किस करियर में जाना चाहिए एडवाइजर कहते हैं कि तुम अपनी कोई असेसमेंट दिखाओ कि तुम्हारे प्रीवियसली किन सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड आए हैं इफ़ यू हैव एवर गॉन थ्रू एनी एप्टीच्यूड टेस्ट अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाओ और वो उन्हें गाइड कर सकता है कि तुम्हारा जो प्रोफाइल है इट गोज़ फिट विद साइंस डिसप्लिन रादर देन यू आर गोइंग टू ऑप फॉर सोशल साइंसिस और वाइस वर्सा इसी तरीके से जो है वो एक अच्छा जो एडवाइज़र है वो एक स्टूडेंट को उसके एप्टीट्यूड उसके ग्रेड उसके असमेंट और उसके पोटेंशल को देखते हुए उसको अच्छी रेलिवेंट फील्ड्स जो है वो सजेस्ट कर सकता है विच इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड थिंग बल्कि रादर मैं इसको ये कहूँगी कि ये तो एक तरह से सदका जा रहा है कि आप एक राइट right इंडिविजुअल को उसके राइट right पाथ के ऊपर जो है वो उसकी जर्नी को स्टार्ट करा दें सो डेफिनेटली ही विल रीच इज समेयर तो इसको एक बहुत ही ज़्यादा अपने रोल को अच्छे तरीके से समझ के करना एक एडवाइज़र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दैन शॉर्ट रेंज प्रोग्राम्स जो हम स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं एज एन एकेडमिक एडवाइज़र उनकी मैं बात करूंगी इट इंक्लूड्स एडवाइज एंड कंसल्टेशन कंसल्टे स्कैलिंग सीक्वेंसेस कोर्स प्लानिंग रजिस्ट्रेशन एंड स्केजूअल एडजस्टमेंट जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हैं बी एस के और स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपने स्केजुअल्स देखने होते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है कौन सी रजिस्ट्रेशन कितने दिन में कैंसिल हो सकती है कोर्स चेंज कब कर सकते हैं सेमेस्टर के मिट से पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपने अगर कोई अपना जो है वो पैकेज चेंज करना है कोर्सेस का वो कैसे होगा एंड थिंग्स लाइक दैट दैन लॉन्ग रेंज प्लानिंग इनक्लूड्स एडवाइज एंड कंसल्टे अबाउट educational and professional objective consistent with the student's demonstrated academic abilities and interest like whatever the specialization the student wants to सी you have to see that whether अगर वो एक खास स्पेशलाइजेशन में जाना चाह रहा है तो क्या उसके पीछे उससे रिलेटेड ग्रेड्स उन सब्जेक्ट्स के अच्छे हैं या नहीं एक स्टूडेंट कहता है मैं रिसर्च डिग्री करना चाह रहा हूँ लेकिन उसके मार्क्स जो हैं वो रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर कभी भी अच्छे नहीं रहे तो प्रॉबेबली आप उसको कोई और एरिया जो है वो सजेस्ट कर सकते सो सिमिलरली हमें सिर्फ पोर्टफोलियो को देख के उनको आगे एडवास डिग्रीज या एडवास कोर्सेस को लेना लेना जो है वो सजेस्ट करना एक अच्छी एडवाइज़र का काम है देन नो वेन एंड वेयर टू ऑफ कोर्स फॉर रेफरेंस फॉर प्रोवाइडिंग द गुड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉलेज देयर ओन लिमिट्स एंड क्रिएट द पार्टनरशिप अक्रॉस अगर एक अच्छा एडवाइजर बाहर की दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ लाइजॉन नहीं करता उसने अपनी नेटवर्किंग नहीं की हुई उसने अपनी सोशबिलिटी uh, जो है उसको इंक्रीज नहीं किया हुआ तो उसके स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो अच्छी टारगेट्स नहीं दे सकेगा उनको अच्छे रेफरेंसेस नहीं दे सकेगा दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द कैंपस एंड कम्युनिटी रिसोर्स दैट सपोर्ट स्टूडेंट सक्सेस एंड शुड बी एबल टू मेक द इफेक्टिव रेफरल्स बिकॉज अगर आपको ये पता है कि इस वक्त कौन से स्कॉलरशिप्स ओपन हुए हुए हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त किन किन अपॉर्चुनिटीज को सीख कर सकते हैं और ओवरऑल uh, जो डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से कौन से किस सब्जेक्ट के लिए होते हैं लाइक uh, like अगर डार्ड है तो वो आपको कौन से कंट्री के लिए कहाँ लेके जाएगा अगर यू एस पार्क नॉलेज कॉरिडोर है वो किस टर्म uh, में अपने स्कॉलरशिप्स ऑफर तो करता है फुल ब्राइट काब ओपन होता है कॉमनवेल्थ कब ओपन होता है ये उसकी टिप्स पर होनी चाहिए चीज़ें अगर ये उसको पता होंगी तो वो राइटली अपने स्टूडेंट्स को बताएगा अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें एंड यू कैन गो फॉर द एडवांस कंसल्टेशन एंड एडवांस एजुकेशन So, this is how the role of the academic advisors plays a very pivotal role in an educational setting.